हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लेट्स रीजन यूएसए। आज मैं बाहर हूँ तो मैंने सोचा बाहर से ही थोड़ी सी वीडियो बना दूँ। तो आप सभी जानते हैं कि आज का बस सिर्फ एक ही लड़ाई थी, वो भी अक्षरा और ज़ीशान के बीच। और ज़ीशान थोड़ा सा ऑर्डर दे रहा था इसलिए अक्षरा जी का दिमाग घूम गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत दिखी। उन्होंने ख़ुद को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, उनका गुस्सा इतना चढ़ जाता है। इससे पहले भी एक दफ़ा इनकी जो फ़ाइट हुई थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा उनका एंजाइटी अटैक आ गया था, जो कि उनके लिए सही नहीं है। और सब उनको कूल डाउन करने पे लगे हुए थे। ज़ीशान ने उनकी हेल्प ही करने की कोशिश की थी, उसने यहाँ तक बोला कि मैं आपके साथ मिलकर काम करता, आप मुझे बता दो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। पर वो उनको बस नहीं करना था, उनके दिमाग में क्या था, क्या चल रहा था। उन्होंने एक बार दो बार आराम से ही शुरू में उसने बोला था, मगर बाद में जाहिर सी बात है उसने फिर पूछा कि भाई बता दे, मैं हटा देता हूँ। लेकिन वो इतनी ज़्यादा चिड़ी बैठी थी, उन्हें अच्छे नहीं लग रहा था कि वो ऑर्डर दे रहा है। जब उनकी जब वो लोग बॉस दी थी, वो और वो बॉस मैन थे, सब ने उन लोगों की जिस तरह से उन्होंने गाइड किया, बोला, सब ने किया, तो जब दूसरे की भी टर्न आ रही तो फिर आप भी अच्छे से करें, इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी वो जितनी जहाँ जहाँ गलत हुई बिग बॉस ने उन्हें सही कर लिया, बाकी तो करण जौहर उन्हें सही सबको सही कल कर ही लेंगे। तो एनीवेज आज का ज़्यादातर यही था, इसी पे फाइट थी। नेहा पता नहीं क्यों लड़ रही थी, बाद में खैर वो हंसने लग गई और फिर वो जाके छुप गई, और बाद में बिग बॉस ने उन सबको ही डांटा, मतलब मिलिन को, शमिता को, एंड सॉरी बिग बॉस। तो आज बिग बॉस ने अच्छा हैंडल किया, संभाला, वरना अक्षरा जी तो किसी की सुन ही नहीं रही थी और उनका खून भी निकल रहा था। तो एनीवेज यही आज का ज़्यादा अपडेट था, कौन सही था कौन गलत था आपकी नज़र में ये तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़ीशान गलत था, लेकिन बहुत ज़्यादा अक्षरा जी गलत हुई। और उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे बोली, जबकि वो बेचारा वो कुछ ऐसा बोल ही नहीं रहा था, वो तो घर के हिसाब से बात कर रहा था। और वो पता नहीं पेरेंट्स पे, बहन और माँ पे चली गई, वुमेन कार्ड्स ले आए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो ठीक है, उनको उनका जवाब मिल गया और इस तरह से नहीं चलता है यहाँ पे। एनीवे लेट्स सी कि कल क्या होता है। और लास्ट पार्ट तो बहुत ही फनी था, जहाँ शमिता से राकेश फ्लर्ट कर रहे थे और वो भगा दिया, खैर उन्होंने, आगे देखते हैं क्या होता है, ये स्टोरी कहाँ जाती है। तो ठीक है, सॉरी मैं बाहर हूँ आज, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। और आज कुछ खास था भी नहीं, सिर्फ ये एक फाइट के ऊपर और ये जो ग्रुप बने, और ये रिधिमा और करण का तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, ये इधर रहने वाले एकदम उधर जा रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। बट एनीवेज, कीप वॉचिंग बिग बॉस OTT ऑन वूट सेलेक्ट एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़। हाय, दिस इज विशाल आदित्य सिंह एंड यू आर वॉचिंग ऑन ग्लिट्स विजन।